नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन की अध्यक्ष श्रीमती मंजूषा शाह के नेतृत्व में नारी सम्मान की रक्षा के लिए जावेद हबीब का पुतला दहन किया। हबीब ने विगत दिवस मातृशक्ति एवं नारी शक्ति का अपमान किया था। हबीब के द्वारा माताओं बहनों के सिर में थूक लगाया गया था, उसके विरोध में समाज सेवियों और मातृशक्ति ने मिलकर इसका पुतला दहन दोपहर 3 बजे पन्नीलाल चौक में किया। अध्यक्ष मंजूषा शाह ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन ने कहा कि कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा महिलाओं का अपमान किया गया है, उनके बालों में सिर में थूक लगाया गया, जो कि बेहद शर्मसार कर देने वाली घटना है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं शासन और प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि हबीब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे देश हिंदुस्तान में नारी शक्ति की पूजा की जाती है। वैदिक काल से ही नारियों को पूजने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र करके माताओं और बहनों का अपमान किया गया है। हम इस घटना की निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें जेल में डाला जाए। वहीं पुतला दहन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन की अध्यक्ष मंजूषा शाह, आशीष मोंगिया, वर्धमान जैन, अमन गुप्ता, निशा शर्मा, श्याम अग्रवाल, सारिका मालवी, शुभम साहू, प्रकाश शर्मा, संतोष केवट, विकास सिंह, पंकज भोजपुरी समेत नारी शक्तियों ने उपस्थित होकर पुतला दहन करते हुए शासन और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ये जावेद हबीब ने एक बहुत शर्मनाक हरकत की है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक सेमिनार के अंतर्गत, जावेद हबीब का नाम आप सभी जानते होंगे, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं मंजूषा शाह सतना ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ पूरी टीम आई हुई है। जो जावेद हबीब ने हरकत की है मुजफ्फरनगर में एक सेमिनार के दौरान, उन्होंने ये बोला कि अगर आपको पानी नहीं मिल रहा है आपके सलून में तो आप उस महिला के सिर में थूक दीजिए और कटिंग करिए, तो उन्होंने उस महिला के सिर में थूका भी है। इस महिला का नाम पूजा गुप्ता है, जो बहुत हर्ट हुई है, जिनका बहुत अपमान हुआ है और साथ साथ हमारी पूरी ब्यूटी इंडस्ट्रीज का भी अपमान हुआ कि इस तरह की शर्मनाक हरकत हमारे सर हबीब सर ने की है, जिनका नाम लिम्का बुक में भी दर्ज है। इनके जाने माने हेयर कटर है और ये कई देश विदेश में इनके कई सलून चलते हैं। इस घिनौनी हरकत को लेके हम लोग भी बहुत शर्मसार है कि हमारी ब्यूटी इंडस्ट्रीज के अंदर ये वाली घटना हुई है। जी भैया, जावेद हबीब का जो कृत्य है वो बिल्कुल निंदनीय है, शर्मनाक है। जो इसने घटना की है, हमारे भारत में नारी जाति को बड़े सम्मान की दृष्टि देखा जाता है, उनको देवी माना जाता है और उसके सर में थूकना, ये बहुत बड़ा कृत्य किया उसने। हम भारत सरकार से निवेदन करें, उसके जितने भी ब्यूटी पार्लर जो भी चला रहे हैं ये, तो तत्काल प्रभाव से उसका लाइसेंस रद्द करें, उसको बंद कर देना चाहिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।